हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इसी यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक से रिलेटेड। यहां पर एयरटेल पेमेंट बैंक में MATM की सुविधा निकाली गई है। अब यहां पर किस तरीके की सुविधा है और यहां पर क्या कैसे क्या कन्फ्यूजन है, पूरी डिटेल्स क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर दें। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने अपना यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक का यहाँ पर रिटेलर ID ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर फ्रंट पर ही आपको माइक्रो ATM का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपके यहाँ पर ऐप में MATM का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है और एयरटेल मित्रा के ऐप्स को यहाँ पर सिंपली अपडेट कर लेना है। जैसे लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर लेते हो तो यहाँ पर ऊपर की तरफ फ्रंट पर ही आपको इस ऑप्शन को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो माइक्रो ATM का ऑप्शन दिया गया है, जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस सर्विस को अभी अभी एक दो दिन पहले ही लॉन्च किया गया है और इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जिनका जवाब मेरे पास भी नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जब एयरटेल पेमेंट बैंक ने खुद के ही ATM लॉन्च नहीं किए हैं तो इस सर्विस का लॉन्च करने का क्या फायदा? क्या हम किसी और फिनटेक कंपनी की माइक्रो ATM को इस ऐप में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं? दोस्तों मेरे पास फिनो का एक मिनी ATM है, मैंने उसको कनेक्ट कर देखा था, वो इस पर कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी और फिनटेक कंपनी के ATM माइक्रो ATM को आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकोगे। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर अगर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं तो आपको एक ATM ऑर्डर करना होगा अगर आप इस सर्विस में काम करना चाहते हो। और तीसरा क्वेश्चन ये कि पता नहीं ये कंपनियां इस तरीके के फीचर्स को क्यों लॉन्च करती हैं, जबकि यहाँ पर इसकी पूरी सच्चाई ये है कि यहाँ पर अगर आप इसका खुद का एक ATM मशीन भी लेते हो तब भी आप यहाँ पर लगभग सभी तरह के कार्डों से यहाँ पर कैश विड्रॉल नहीं कर सकोगे। और अगर कस्टमर के पास ATM कार्ड होता है तो वो यहाँ पर आपके पास विड्रॉल के लिए आएगा ही क्यों, क्योंकि वो तो किसी भी ATM मशीन में जाकर अपना पैसा विड्रॉल कर लेगा। ये चीज़ केवल ग्रामीण इलाकों के लिए होती है जहाँ पर दूर दूर तक 10-15 किलोमीटर तक कोई भी ATM उपलब्ध नहीं होता है। वैसे तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी एरिया अब बचा नहीं है जहाँ पर आपको ATM देखने को ना मिले। तो मेरे हिसाब से तो ये सर्विस घटिया है और इस सर्विस का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। अब यहाँ पर सवाल यह था कि यहाँ पर क्या कैसे आपको कमीशन वगैरह देखने को मिलता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपका कमीशन वही रहने वाला है APS जितना, 2-4 रुपये ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये सर्विस घटिया है और पता नहीं हर फिनटेक कंपनी में ये फालतू की सर्विस क्यों लॉन्च की जाती है जबकि इस सर्विस का कोई भी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि इससे ना तो बेनिफिट है। क्योंकि आप खुद सोचिए, आधार पे के थ्रू जब आप पैसे निकालते हो अपने कस्टमर के तो वहाँ पर आप कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हो, मतलब कि 1,000 पर 1,010 रुपये तो ले लेते हो, तो वैसे में आपको कमीशन तो मिलता ही है, साथ ही साथ 10 रुपये भी मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर माइक्रो ATM में कोई भी कस्टमर आपको 10 रुपये जो एक्स्ट्रा चार्जेस रहता है वो नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर वो किसी भी ATM मशीन में जाकर अपना पैसा विड्रॉल करता है तो वहाँ पर 1 रुपया भी उसे नहीं देना होगा। और यहाँ पर उसका सक्सेसफुली सभी तरह के डेबिट कार्ड भी काम करते हैं और बार बार उसे परेशान भी नहीं होना होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर किस तरीके से आपको इस माइक्रो ATM सर्विसेज का इस्तेमाल करना है, सबसे पहले तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको आधार कार्ड से जिस तरीके से APS के थ्रू यहाँ पर पैसों का निकासी किया करते थे उसी तरीके से आपको यहाँ पर ATM कार्ड के थ्रू भी विड्रॉल करने के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी। यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिंपली ऐड डिवाइस और एक्टिविटी लॉग, इसका उपयोग सिर्फ आप अपने यूज के लिए कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद सेंड टू बैंक, मतलब कि आप अपने यहाँ पर वॉलेट का पैसा अपने अकाउंट में सेंड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो अभी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन और फिनटेक कंपनियों की तरह ही दिए गए हैं, तो मेरे हिसाब से तो अभी ये ऑप्शन है बड़ी अपडेट लेकिन कोई भी काम नहीं है, यूजफुल नहीं है ये ऑप्शंस। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो अभी ये ऑप्शंस बकवास हैं। तो दोस्तों यही एक नया अपडेट था एयरटेल पेमेंट बैंक में। अगर आपको ये अपडेट पहले से पता था तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं पता था तो यहाँ पर अपनी राय भी हमें ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम ID पर भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।